पापा खत्म हो जाने के बाद हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई और करंट लगा था खेत में, उसी में करंट लग जाने के कारण जो है सन 2012 में उनकी मौत हो गई थी। ये मुकेश त्रिपाठी तुमको अपने कंधे में बैठा करके लखनऊ तक घुमाएगा। जब से सरद जी हमारे आदमी जब से खत्म भए हैं अपने कमाई से बच्चे के पढ़ाए रहेंगे। चार दिन हर न्यूज चैनल पे ये बच्चा चलेगा। अरे बच्चों, ये कहानी है सुरेश की, जिसने तमाम मुश्किलों और अभावों से लड़ते हुए कक्षा 10 में उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया। हमारा प्रण है कि ऐसे हर बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। किया है संकल्प, अपना वादा निभाएंगे। मुकेश सर हर घर में शिक्षा की अलग जगाएंगे। उत्तर प्रदेश का हर बच्चा होगा शिक्षित और सक्षम। सुरेश जैसे हर बच्चे को उसका हक दिलाएंगे। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सुरेश है। मैं ग्राम गुरुदत्त पांडे कपुरवा, तहसील ऊंचाहार, जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में 6 भाई हैं, 1 बहन है, जिसमें 3 भाई शहर में रहते हैं जो कि छोटी मोटी कंपनियों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। बचे 3 भाई घर पर रहते हैं, जिसमें से मुझसे एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। मुझसे बड़े भाई घर में मजदूरी खेती किसानी दूसरों के खेतों में करते हैं और उसी से जो पैसा कलेक्ट होता है हम हमारी और हमारे छोटे भाई के पढ़ाई से लेकर खाने तक का खर्चा वही संभालते हैं। मैं बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी ठीक था। पढ़ाई में रुचि देखकर मेरे बड़े भाई ने गांव के पास ही सरकारी स्कूल में मेरा दाखिला करवाया। उन्होंने सोचा कि मैं तो नहीं पढ़ पाया लेकिन मैं अपने छोटे भाई को ज़रूर पढ़ाऊँगा। मैं सुबह उठकर अपने होमवर्क को रिवाइज करता हूँ और उसके बाद स्कूल जाता हूँ। स्कूल में भी मैं काफ़ी मन लगाकर पढ़ता हूँ। स्कूल की छुट्टी के पश्चात मैं घर आता हूँ। घर पर मैं अपने सभी कार्यों को संपादित करके सेल्फ स्टडी में लग जाता हूँ और घर पर जो हमारे भैया के साथ कार्य करना होता है खेती मजदूरी में, मैं उनका भी हाथ बटा देता हूँ। घर की परिस्थितियों को देखकर और भाई के कड़े मेहनत को देखकर मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने अपनी पढ़ाई में कभी भी किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं की और इसका परिणाम मुझे तब मिला जब यूपी बोर्ड सन 2021 क्लास 10th का रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में मैंने न केवल 94.5 अंक प्राप्त किया बल्कि मुझे यह भी पता चला कि मैंने स्टेट में 8वीं रैंक बनाई है। मैं इसका पूरा श्रेय अपने बड़े भाई को देना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मुझे वो इतनी कड़ी मेहनत करके न पढ़ाते तो शायद मैं इस मुकाम पर पहुँच पाता। जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं अपने सारे डाउट हाई स्कूल विद्याकुल चैनल से क्लियर कर लेता था। जैसे ही मैं 11th में आया, सिलेबस इतना बड़ा था कि उसे ऐसे क्लियर करना बहुत कठिन पड़ेगा। फिर मुझे पता चला कि एक उसी चैनल के माध्यम से पता चला कि जय महादेव विद्याकुल चैनल पर मुकेश सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स का सिलेबस बहुत ही लॉन्ग था लेकिन जब से मैंने फिजिक्स की क्लासेज मुकेश सर से ज्वाइन की तो मुझे बहुत ही ईजी लगा और मैं कंटिन्यू धीरे धीरे सारी क्लासें लेने लगा और उसी का परिणाम था कि मैंने एनुअल एग्ज़ाम में फिजिक्स में 95 नंबर प्राप्त किए। और उसी चैनल पर मैं सुमित सर से मैथ पढ़ता था जिसके कारण मैं एनुअल एग्ज़ाम में 99 मार्क्स प्राप्त किए। यदि मैं इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद इस मुकाम पर इतने परसेंटेज और ये रैंक प्राप्त कर सकता हूँ तो ये कोई भी कर सकता है। सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई के प्रति सही श्रद्धा और ईमानदारी रखनी चाहिए। सर नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं सुरेश का बड़ा भाई हूँ। मैं यहीं पर घर ही पर रहता हूँ। खेती किसानी करना हमारा काम है, घर परिवार देखना कि पढ़ाई के समक्ष यही सब काम करता हूँ मैं और यही सब कार्य हमारा रहता है खेती बाड़ी करना सर। और इन्हीं को पढ़ाई लिखाई के बारे में सर सोचता रहता हूँ कि भविष्य में कुछ आगे करके दिखाएं, जिससे हमारे पिताजी का नाम ऊंचा हो, माँ का नाम ऊंचा हो, हमारे बाबा का नाम ऊंचा हो। इसी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ सर मैं। सर हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पापा ख़त्म हो जाने के बाद हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई, इसलिए जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए हम। हम सोच रहे हैं कि हम बेशक कुछ नहीं कर पाए लेकिन हमारा छोटा भाई जो है पढ़ने में मन ध्यान लगाता है तो इसी को पढ़ाने के लिए मैं एक्टिविटी रहता हूँ कि इसको मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाऊँ ताकि हमारे पिताजी का नाम हो, बाबा का नाम हो, मम्मी का नाम हो। और पढ़ने में सही है, रिजल्ट इनका सही आया है इसीलिए हमको बहुत खुशी भी होती है सर। तो अपने हिसाब से सर कह रहे हैं कि हम IAS बनेंगे, PCS बनेंगे।
अब हमारा जहाँ तक बस चलेगा मैं तो वहाँ तक सर इनको ले जाऊँगा, बाकी अब इनके ऊपर अटेंड रहेगा, जैसी पढ़ाई रहेगी वैसा आगे बढ़ेंगे। मुझे सर थोड़ा सा शंका हो रही थी कि आईएएस पीसीएस करने के लिए कह रहा था, हमको टेंशन रहती थी सोते जागते समय कि ऐसा मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि उतना ज़्यादा हमारे पास इनकम नहीं है पढ़ाने लिखाने की। लेकिन जब से मुकेश सर से हमारी बात हुई है, मुलाकात हुई है, तब से जो है हम बगैर टेंशन फ्री होकर जो है और हौसला बढ़ा रहे हैं और हमको फुल मजबूती से जो है ये हो रहा है कि हम हमारा भाई आईएएस पीसीएस बन सकता है, कोई टेंशन नहीं हमको। जब से सर जी हमारे आदमी जब से ख़त्म भए हैं अपने कमाई से बच्चे के पढ़ाए रहेंगी, अपने कमाई से बच्चे को पढ़ाए रहेंगे। मैं इस विद्यालय का टीचर हूँ, इस विद्यालय से गरीबी की वजह से इस विद्यालय में अपने बच्चे को 1 से 5 तक पढ़ाया और 1 से 5 तक पढ़ाने के बाद इस विद्यालय में खाना बना करके अथक मेहनत करके और वहाँ बच्चा पढ़ के हाई स्कूल में 8वीं रैंक प्राप्त किया। ये हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है, हम इसके टीचर से, ये बच्चा हमारी क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट था और ये जब भी मुझे मिलता नए नए क्वेश्चन पूछता और क्लास 10th के अंदर इसकी बहुत ही अच्छी मेरिट है और बहुत ही लगनशील और बहुत ही मेहनती बच्चा है। और इसके घर की फाइनेंशियली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी इसकी लगन और प्रतिभा ने ये सिद्ध किया कि अगर कोई भी बच्चा मन और लगन से पढ़े तो ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर आपने टॉप पे लाया तो फिर से एक बार इसी तरह आपके और टॉप पे मतलब क्या डिस्ट्रिक्ट टॉप स्टेट टॉप। मैं 2 साल से मुकेश सर से पढ़ रहा हूँ, मुझे उनसे मिलना है। तो उनसे मिल कहाँ पाओगे, लोग तो बहुत बड़े हैं, का बड़ा चैनल चलता है ना उनका। उनका मेरे पास फ़ोन नंबर है, आप कहें तो वीडियो कॉल करें। भैया बात करो। नमस्ते नमस्ते भैया, प्रणाम, और बताइए कैसे हैं। अरे बिल्कुल सर, आप आ जाओ, कल आ जाओ सर, आप स्टूडियो आ जाइए। ये तो सच है। आओ देखो सामने हम तुम्हारे खड़े हैं, देखो इधर देख लिए, आओ 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 इस साइड आ जाओ, आओ बढ़िया साई सर मिले, आओ तुम्हारे अंकित सर भी हैं, आओ सब बढ़िया रही, यात्रा बढ़िया रही, ठीक 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। को दिखाते हैं स्टूडियो, आओ बैठिए सर, अरे आइए, आओ बैठो। बिलिए सर ये हमारा बच्चा आया, पहले स्टेट में 8वीं रैंक थी बालक की, बहुत बधाई है। संकल्प सर ये बेटा इस साल नया आया है, बायो पढ़ाएंगे, ठीक है। और सर यही अपना ऑफिस है ना, पूरा यहीं से सब चीज़ें आप लोग के लिए चलती हैं। आओ बैठो पहले तुम्हारा करो। प्यारे बच्चों, जैसे कि एक बच्चा आज हमारे पास आया है रायबरेली से चल करके, रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र का, और ये एक ऐसी प्रतिभा है जो कि पूरे परिश्रम से मेहनत किया और मेहनत करने के बाद प्रदेश में 8वें स्थान पे आने के बावजूद शायद आप इस चेहरे को ना देखें। 2021-22 की परीक्षा में कौन सा स्थान था बेटा तुम्हारा? 8वां स्थान था। और आज बच्चा प्रोजेक्ट मिलाप के अंतर्गत आया, हम लोगों से मिलने पूरी टीम से मिला है, और इस बच्चे के नंबर तो आप सभी देख करके हैरान हो ही जाओगे। बेटा एक बात बताओ, आगे क्या सपना है करने का? मुझे आईएएस बनना है। आईएएस बनना है, और आपको बता दें इनके बड़े भाई हैं, संयोग से शायद इनके पिताजी नहीं हैं। जी जी, पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं सन 2012 में। 2012 में पिताजी एक्सपायर करके, पिताजी कैसे एक्सपायर हो गए थे? एक्सपायर करंट लग गया था उनको पैर में जो है। अच्छा, बिजली का करंट होते हुए खेत के बगल में, तो बिजली का करंट लग गया। जी, तो आप ही सब कुछ घर का देखते हैं इनका? जी जी, खेती किसानी की जिम्मेदारी तब से हमारे ऊपर रहती है, और इनकी पढ़ाई की। कितने भाई हैं आप लोग? 6 भाई हैं सर, 1 बहन है। 6 भाई 1 बहन। ये कौन सा नंबर भाई है? ये सर 5वें नंबर पर। अच्छा, इससे छोटा भी 8 है। जी जी। वो किस क्लास में पढ़ता है? क्लास 8 में। पढ़ाते हो उसको? पढ़ाते हैं। वो भी आएगा कक्षा 10 में 8वीं 10 9वीं रैंक आएगा, पक्का आएगा, मेहनत करेगा। अच्छा, 12 में बेटा हमारी सोच ये है कि तुम्हारी जो 8 रैंक थी वो 8 रैंक से 12वीं में 1st या 2nd रैंक में पहुँचो, और तुम्हारी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी जय महादेव विद्याकुल परिवार की है।
ठीक है? यस। लाओगे? लाएंगे। मेहनत करोगे? बिल्कुल। कक्षा 10 में बताओ कई घंटा पढ़ते थे घर पे? घर पे हम लगभग 6-7 घंटे पढ़ते थे। 6-7 घंटे? आपको कोई पढ़ने के लिए बोलना पड़ता था भाई को? नहीं, बोलना नहीं पड़ता था, मैं स्वयं से पढ़ता था। स्वयं से पढ़ते थे। अच्छा, कोचिंग कहीं करते थे कि वैसा इसे? नहीं, हम कोचिंग नहीं करते थे, ऐसे स्कूल और हाई स्कूल विद्याकुल चैनल। हाई स्कूल विद्याकुल चैनल से पढ़ते थे और कोचिंग नहीं करते थे। तो मतलब तुम्हारे स्कूल के शिक्षकों ने बहुत मेहनत की तुम्हारे साथ? यस सर। बढ़िया। तो आपकी 12वीं भी वही स्कूल में पढ़ा रहे हैं इसको? जी जी, वही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। स्कूल के शिक्षक कभी बड़ाई करते हैं आप इस आपसे इसके बारे में? जी जी। स्कूल शिक्षक क्या बताते हैं? पढ़ता है बढ़िया, मेहनत करता है? बहुत जिज्ञासु बच्चा है, आपने क्वेश्चन फंसता है तो अपनी तरफ से पूछता रहता है, जानकारी करता रहता है। हर बच्चे में ये एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये बच्चा अपनी तरफ से हर क्वेश्चन को जो भी नहीं समझ पाता। आप इनके लिए बहुत तप कर रहे हैं और ये तप, ये बालक एक दिन परिणाम में जरूर बदलेगा। बालक तुम्हें पूरी मेहनत करनी है अच्छे से, और 12वीं जितने नंबर देखो तुम्हारे 10 में आए हैं, इन्हीं नंबर को अगर तुम 12 में कन्वर्ट कर दोगे तो बस तुम स्टेट में पहली दूसरी रैंक पर आ जाओगे। किस सब्जेक्ट में डर लगता है बताओ? किसी में नहीं लगता डर। इसे कहते हैं टॉपर, कि डर किस सब्जेक्ट में लगता है? किसी टॉप सब्जेक्ट में नहीं लगता। हमें पता है पिछली बार एक चीज़ हुई कि बच्चे के साथ, कि शायद जागरूकता की वजह से नहीं जान पाए घर वाले या स्कूल वाले, बच्चे का उतना बड़े लेवल पे प्रचार नहीं हुआ। हमसे, हमको तुमसे ये उम्मीद है कि अगले बार 12वीं में तुम इतने नंबर लाओगे कि ये मुकेश त्रिपाठी तुमको अपने कंधे में बैठा करके लखनऊ तक घुमाएगा, ठीक है? 3-4 दिन हर न्यूज़ चैनल पे ये बच्चा चलेगा, और स्टेट रैंक पे अगर तुम्हारी पहली दूसरी रैंक आती है, ठीक? यस सर। तो आपकी 12वीं में मैथ में, कि मैथ में क्या कोई कोई दिक्कत होती है मैथ में कभी? मैथ में बढ़िया बढ़िया मज़ा आता है तुम्हें सर साथ पढ़ने में। फिजिक्स कब कैसे पढ़ते हो? फिजिक्स आपसे पढ़ते हैं? नहीं, किशन सर है। किशन सर फिजिक्स में, ठीक है। और केमिस्ट्री में अंकित सर पढ़ाएंगे? ठीक है, पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब विषय मन लगा के पढ़ना बालक, और उम्मीद करते हैं अगली बार तुम फिर से आओ। भैया आप हमारे यहाँ हमेशा आते रहिएगा। इस साल बच्चे की आपको मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा। जी, जी। आप हर महीने हफ्ते 15 दिन में जी। इस बच्चे की पूरी रिपोर्ट मुझे दीजिएगा। जी। इसको मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से समझिए कि एक छोटे भाई की तरह पालूंगा। जी, जी। और इस साल इससे हमें और आपको दोनों लोगों को स्टेट रैंक 1 निकालना है। जी। इसके लिए पूरी मेहनत करूँगा। तुम करोगे ना मेहनत? यस सर, करेंगे। लेकिन अभी तुम दोनों लोग अपने पूरे पीढ़ी की, अपने पूरे घर परिवार की स्थिति बहुत बदल सकते हो, है ना? यस सर। तो अभी दोनों लोग इस लेवल पे मेहनत करो कि आने वाली 3-4 पीढ़ियाँ से याद रखें तुम्हारी इस मेहनत और सब को, ठीक है? तो बालक मेहनत करनी अच्छे से और मन लगा के मेहनत करो। और पिताजी के रूप में तुम्हारे भाई ने जीवन भर तप किया है, तो इस तप का रिजल्ट, उनको परिणाम देना तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है? मेहनत करो और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ना, ठीक? खुला तुम ताकतवर आदमी है ना भैया। ये दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, चावल लोगों से। ये तो सच है कि भगवान है, मगर सुरेश रायबरेली से आए हुए हैं, और क्लास 10th में स्टेट टॉप किया था इन्होंने। एक में सुरेश की 8वीं रैंक आई थी, और इन्होंने अभी क्लास 11th में अपने स्कूल में मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स गेन किया, और इस बार 12th में 100 में 100 लाने का टारगेट है। सुरेश को हमने यही क्लास में बैठने का मौका दिया हुआ है, आप सभी के साथ सुरेश भी यहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं सामने से। सर ये लगा के भी दिखा दे रहा हूँ। पहला टारगेट होगा तुम्हारा स्टेट रैंक 1 या 2, ठीक है? जो रैंक 8 पे थे, कहाँ पे जाना है? पहले दूसरे पे। हाँ, तुम्हें अब सबसे मिलाते हैं। देखो साहिर सर, ये तुम लोग, तुम्हें इस साल साल भर इंग्लिश जो पढ़ाएंगे, ये कितनी किताब कापी उससे मंथन करके पढ़ाएंगे बेटा। ये हमारा सपना है, और ये सपना आप पूरा करेंगे कि आप स्टेट रैंक 1 हासिल करें 2024 की बोर्ड परीक्षा में। ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी टीम से बस ये एक्सपेक्टेशन है। किशन सर फिजिक्स पे देखो, रात दिन मेहनत करते हैं आपके लिए, ये फिजिक्स पे सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? और किशन सर तुम्हारे साथ पूरी टीम पर्सनली कनेक्ट रहेगी, ठीक? बस मेहनत करो, बहुत रच की मेहनत करो। और ये हमारे ऋषि सर हैं, देखो इस साल हिंदी में ऋषि सर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। इस बार हिंदी में पढ़ाऊंगा तुम्हें, और इस बार स्टेट रैंक 1 आनी चाहिए। बिल्कुल आएगी। बस सबकी केवल एक इच्छा है बेटा कि स्टेट रैंक 1। अंकित सर 2 मिनट दे दीजिए अपने बिजी समय से,
हाँ, ये बच्चा है केमिस्ट्री, और इनके भैया ने हमसे कहा है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में खासकर इसको वो चाहिए। नहीं सर, हम तो हमेशा कहते हैं बच्चे के साथ इतना मतलब कनेक्टिविटी बैठाएंगे, इतना ज़्यादा इसके क्लोज रहेंगे कि इसको एहसास ही नहीं होगा कि सर हमको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है ठीक, केमिस्ट्री में सर तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, और ये बायो तुम्हारा है नहीं, लेकिन सर बायो इस साल पढ़ाएंगे, ठीक है। मेहनत करो, हमारा मात्र एकमात्र सपना है आपके सपनों को साकार करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी तुम्हारे ये महागुरु बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे में सर इनका कक्षा 10 में कितने नंबर थे मैथ में? 98 बताए, 98 था, एक बार 2 नंबर का मैं आपके हिसाब से उसको इस बार लाना है। सुमित सर जी इसको पढ़ाते हो 100/100 लाते हैं, 100 पिछली बार भी मुस्कान गया था, इस बार भी बहुत सारे बच्चों के आने वाले हैं। अगली बार मतलब इस बार जो पेपर आएगा उसमें मैं उम्मीद करता हूँ सुरेश तुम्हारे 100 में 100। ये हमारा सुरेश आज जा रहा है, आज हमारे ऑफिस में सारा दिन रहा और सब लोगों से मिला। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है।